Good morning, friends. Welcome to Defense Gyanam Defense Channel. तो आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवरेज. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. इसमें से अक्सर एग्जामिनर जो है पेपर्स में क्वेश्चन पूछता है और इसका हम पहले बेसिक समझेंगे और आज आपको तीन चार शॉर्टकट सिखाने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर का अनुमान लगा लेंगे. तो पहले बेसिक से शुरू करेंगे, एवरेज होती क्या है, और उसके लिए कुछ बातें याद रखेंगे, कुछ फॉर्मुलेज याद रखेंगे जिनसे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में, यानी 2 से 3 या 5 सेकंड में हम उन्हें हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं बच्चों. एवरेज क्या होता है? जैसे क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं, सचिन ने एक मैच में 100 बनाए, एक में 0 बनाए, एक में 80 बना दिए, एक में 40 बना दिए. तो अब हमने देखना है कि उसने किस रेट से वो हर मैच में रन बना रहा है, यानी उसकी एवरेज कितनी है. तो एवरेज के लिए हमने क्या किया, चार जो हमारे इनिंग्स का स्कोर है उसे हमने ऐड करना है, और कितने मैच खेले गए थे, 4, उनसे हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया. डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आया, 220. 4 110 और ये 55. इसका मतलब ऑन एवरेज उसने अपने 4 मैचों में कितना स्कोर किया पर मैच, 55. अब आपने अक्सर देखा होगा ये कहा जाता है कि सचिन की टेस्ट मैच एवरेज 56 थी, यानी कि उसने हर टेस्ट में ऑन एन एवरेज कितने रन बनाए, 56 बनाए. तो एवरेज जब हमने निकालनी होती है हम क्या करते हैं, हम लोग जिन वैल्यूज की हमने एवरेज निकालनी है उन्हें ऐड करते हैं, और कितनी वैल्यूज ऐड की उतनी ही संख्या से हम सम को डिवाइड करते हैं. देखिए, मान लेते हैं हमने ये हमारे पास n नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स, इनकी एवरेज निकालनी है. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ, इनका सम लेंगे x से और किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है. इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ, समेशन फॉर्म में, एक्स आई अपॉन एन. अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो ये हमने ये फॉर्मूला जो है मेमोराइज कर लेना है, कम्यूट टू मेमोरी कर लेना, अपने दिमाग में इसे बिठा देना. क्या ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन. कैसे आएगा, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे एक्स 1, फिर प्लस आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे एक्स 2, सो ऑन अप टू एन. यहां से एक और चीज हम सीखेंगे कि यदि हमें अंकों का योग, यानी कि जिन ऑब्जर्वेशन की हम मीन निकाल रहे हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, तो n इंटू एक्स बार, ये मीन है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये तो सिंपल सी बात होगी. अब देखिए, अब हम कुछ बेसिक समेशन सीरीज याद करेंगे और उन्हें कैसे एवरेज में यूज करना है ये सीखने वाले. तो देखिए, 3 सीरीज में चाहूंगा आप लोग याद रखें,
क्या है? पहली एन वास्तविक नेचुरल नंबर्स का सम, वास्तविक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू एन, एन एन प्लस 1/2। तो देखो बच्चों, ये क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 2n-1। क्या है बेटा? फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहली n विषम संख्याएं, इनका योग क्या होता है? n स्क्वायर, n स्क्वायर 2, 4, 6 राइट अप टू 2n। क्या है ये? n n प्लस 1। व्हाट इज इट? क्या है बच्चों ये? सम ऑफ फर्स्ट, यस, व्हाट इज इट? क्या है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन फॉर्मूलास को आपने बिल्कुल मेमोराइज करना है, दिमाग में बिठाना है। आगे देखें, लेट मान लेते हैं p इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर नंबर नॉट इक्वल्स टू। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ पी, क्या होगा बेटा? पी टाइम्स एन एन प्लस 1/2। उदाहरण के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो कह रहे हैं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे? बोले 5, 10, 15 लेके कहां तक? 50। तो अब हमने इनका सम निकालना है। तो साधारण तौर पर बच्चे क्या करेंगे? 10 जमा 15 सो ऑन अप टू 50। बट हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आया कैसे ये भी बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ पी, पी टाइम्स एन एन प्लस 5। तो पहले इसको देखिए फॉर्मूला लगाते हैं कि पी क्या है यहां पे? 5। एन क्या है यहां पे? 10। 11/2, 5, 55, 55 हां जी बेटा 605। कितना आ गया? 605। ये सीधा आंसर लग गया, ये हमने दिमाग में बिठा दिया, इसे हमने अपने दिमाग में फिट कर दिया, मेमोरी में फिट, दिमाग की चिप में फिट कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? पी इज एनी नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू 1, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स पी टाइम्स एन एन प्लस 1/2। यहां एन क्या था? पी क्या था? 5। एन क्या हो गया? 10। फॉर्मूला लगे। अब और देखें, और इसको देखें कैसे, हमारे पास क्या कह रहे थे हम लोग, क्या चल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो बच्चों इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हर नंबर किससे विभाजित होगा? डिवाइड होगा 5। तो हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर कौन रह गया? 1, 2, 3 सो ऑन। और ये क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि सम ऑफ फर्स्ट 10
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई? एन एन प्लस वन बाय टू, एन एन प्लस वन बाय टू। तो हम इसको यहां यूज करते हैं। देखिए पांच एन क्या है बेटा, टेन, एन प्लस वन इलेवन, टू पचपन। पांच का मेथड क्या होता है, पांच लिखिए किसी भी नंबर को और ग्यारह से गुना करना, देखिए कैसे। पांच ऐसे ही पांच में आगे वाला जोड़िए कितने हो गए, दस, एक कैरी, पांच जोड़िए छह सौ पांच। और देखें अगर मैं तिहत्तर को ग्यारह से गुना करना चाहता हूं, तीन ऐसे लिखूंगा, तीन को यहां जोड़ूंगा, कितना हो गया, तीन और सात दस, एक कैरी, सात और एक आठ, या ऐसे लिख दो तिहत्तर तिहत्तर तीन दस आठ खत्म। तो ये रूल भी देख ले। अब देखें आगे, समझ आ गया, आगे बढ़ते। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात ऐसी एवरेज पे, कुछ जो बेसिक फैक्ट्स जिनसे शॉर्टकट निकल के आते हैं। अब हमने क्या किया भी, एक दो तीन की एवरेज, मैंने कहा दो, फिर कहा एक दो तीन चार पांच की एवरेज, हमने कहा तीन, ठीक है। हुआ कैसे, देखिए एवरेज का मेथड क्या था, तीन दो पांच और एक छ, छ बटा दो तीन, सॉरी कितने नंबर है, एक दो तीन, आंसर दो, चार तीन सात, तीन दस पंद्रह, पंद्रह को पांच से कितना तीन। तो नेचुरल नंबर सीरीज में जब भी हमारे पास जो अंक जिनका एवरेज निकालने हैं उनकी संख्या ऑड हो, ऑड हो, तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, हमारी एवरेज को बताता है। देखिए यहां भी तीन की, तीन अंकों की बात की, हमने कहा दो एवरेज है, यहां पे हमने चार अंकों की बात की, हमने कहा तीन एवरेज है, पता लग गया। अब एक बात और याद रखनी है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, यदि जो ऑब्जर्वेशन यानी जिन अंकों का हम एवरेज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड इन काउंट, देन हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म निकालना बहुत ही आसान है, अंक दे रखे हैं उनकी मिडिल टर्म निकालनी है आपने, एन बटा दो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड इन काउंट, तो हम कह रहे हैं एन क्या हो गया, ऑड, एन प्लस वन बाय टू। अब जैसे यहां पे था, देखो इस क्वेश्चन को देखिए, मेरे से पूछा मिडिल टर्म, मैंने कहा भाई पांच जमा छह, छह बटा दो तीन, बीच वाली तीसरी है, एक और लिख देते हैं, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, बीच वाली कौन सी है भाई, नौ जमा एक दस बटा दो पांच, तो पांचवी जगह पे कौन है। तो अब यहां से हमने एक जनरल बात सीख ली, वो बात क्या है, सीख अब सीखे मेरे साथ, सुने ध्यान से, यदि हमारे पास नेचुरल नंबर्स में एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, उनका हमने मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, और एन जो है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो जो बीच वाला अंक होगा वो हमारा क्या बताएगा, एवरेज दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एवरेज। देखिए कैसे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 और ये 19, देखिए 9 अंक हो गए, अब इनकी एवरेज निकालिए, क्या निकालिए, एवरेज, वेरी सिंपल, 9 पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, छोटे से बड़े में लिखते हैं, अगर हॉशपॉच है तो, अगर वो एक क्रम अनुसार नहीं है तो उन्हें क्रम अनुसार लिखते हैं। उसके बाद देखें अंक कितने हैं, 9, 9 जमा 1 कितना होता है 10, 10 बटा 2 5, 5 में कौन है, 1 2 3 4 5, यानी 15 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, खटाक, जस्ट इन 2 सेकंड्स मेरे को दिया हुआ है भाई, समझ आ गया भाई, दिया हुआ है 7 9 7 8 9 10 11 12 13, इसका भी मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, 7 अंक है, आठ बटा दो चार, एक दो तीन चार, दस हमारा क्या आ गया, एवरेज। जोड़ने की कोई, डोंट वेस्ट इन एडिंग अप द नंबर्स, अंकों को जोड़े मत,
बेसिक कॉन्सेप्ट को। चैलेंज है, अगर आप मेरी एवरेज के चार वीडियोस देख लेते हैं, आज पहला वीडियोस, आने वाले चार और वीडियोस, आप एवरेज के क्वेश्चंस को पानी की तरह सॉल्व कर लोगे सेकंड्स में। हर क्वेश्चन करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगाने हैं। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, पर आप इस सीरीज के चारों वीडियोस देखिए, आज पहला वीडियो है, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से बता रहे हैं, ध्यान से सुने। एवरेज क्या होती है, छोटी छोटी बातें आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बट हमने सोचने का अंदाज बदल दिया है। मिनिमम पेन यूज करना है, मैक्सिमम ब्रेन यूज करना है। अर्थमेटिक के लिए टेबल्स का स्ट्रांग होना जरूरी है, तो आप अपने टेबल्स भी स्ट्रांग करें, और जब भी प्रैक्टिस करें दिमाग को ज्यादा यूज करें, पेन को कम, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाएं, और कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो दिमाग में करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आप देखिए ये हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि अंकों की संख्या जिनका हमने एवरेज निकालना है वो क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, टेंशन ही लेनी है। जैसे कोई मेरे से कहता है 1 2 3 4, चार का आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। मैंने क्या कहा, हमने बीच की दो संख्याएं लेनी है, बीच की दो संख्याएं कौन है, 2 और 3, इनको जोड़ देना है, बटा 2, और इनका मीन लेना, इन दो अंकों का मीन लेना है, कितना है भाई, 5/2, यानी 2.5। सर ये कैसे हो गया, आपने एक और चार को तो जोड़ा नहीं, मैं कहा चलो जोड़ के देखते हैं, 4 3 7 3 10, देखिए क्या है, 4 3 बिल्कुल ठीक, 2.5 आया। अब देखिए सर आपने एक और चार को तो जोड़ा ही नहीं, मैं कहा जोड़ दो, कितना हो गया 10, अंक कितने हैं 4, 5/2, 2.5, एक ही बात है। तो नेचुरल नंबर सीरीज में जब भी हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेंगे और उनका उनकी संख्या इवन होगी, 4 अंक 6 अंक 10 अंक 12 अंक 14 अंक 100 अंक, ये सब क्या है, इवन संख्या है। तो जिन नंबर्स का हमने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है वो क्या हो, इवन इन नंबर्स हो, तो हमारी एवरेज क्या होगी, आप बीच वाले दो नंबर्स लेंगे और उनका मीन निकालेंगे, वही हमारे सभी नंबर की एवरेज होगी। देखिए बीच वाले कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड टू मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स व्हेन एन इज इवन, जब अंक जो है, अंकों की संख्या जिनका हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है, वो इवन हो। इवन का मतलब जैसे 2 4 6 8 10, 2 से विभाजित होने वाले अंकों को हम इवन कहते हैं। किसे इवन कहते हैं भाई, 2 से विभाजित डिवाइड होने वाले अंक, वो इवन होंगे। तो हमने क्या करना है भाई, सीधा n/2 एंड n+2/2, ये आपको व्हाट इज दिस, दिस टू वैल्यूज विल गिव यू, इन दो वैल्यूज से हमें क्या मिलेगा, मिडिल टर्म्स मिलेंगे। जैसे देखिए हमने लिख दिया भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, मान लीजिए कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो मिडिल टर्म, 10/2 कितने होते हैं 5, और उसके आगे वाली टर्म को 5 से आगे वाली टर्म कौन सी होगी 6, तो 5 में और जो छठे स्थान पर जो अंक होंगे वो नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स, वो हमारे क्या बन जाएंगे, क्या ले लेंगे उन्हें, यस क्या ले लेंगे भाई, मिडिल टर्म्स बन जाएंगे। तो यहां से कौन सी दो होगी, देखो मिडिल टर्म्स निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5 और 16, देखिए इसके आगे 1 2 3 4, पीछे भी 1 2 3 4, ये दोनों क्या होगी, मिडिल टर्म्स, ये हमारी मिडिल टर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर।
तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, थैंक यू।